राजीव यूनिवर्सिटी व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में अब CUET से होगा एडमिशन। NTA 21 से 31 मई तक देश भर में लेगी टेस्ट। राजीव यूनिवर्सिटी और DSPMU में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन के नियम बदलाव किए जा रहे हैं। अभी तक इन दोनों विश्वविद्यालयों में 12वीं के प्राप्त अंक के आधार पर एडमिशन होता था, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों की तर्ज पर स्कोर से एडमिशन लिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट लेने की जिम्मेवारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को दी गई है। प्रवेश परीक्षा का नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 9 फरवरी से शुरू है, जिसकी अंतिम तिथि 12 मार्च रात्रि 9 बजे होगी। NTA की वेबसाइट www.account.in पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। CUET परीक्षा की शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी। वर्तमान में इसके माध्यम से देश भर के सभी केंद्र विश्वविद्यालयों के साथ साथ कुछ राज्य निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों में एडमिशन कराए जा रहे हैं। एंट्रेंस टेस्ट में मिले स्कोर के माध्यम से UG व PG में एडमिशन लिए जाते हैं। NTA द्वारा UG के ग्रेजुएशन के कोर्सों के लिए देश भर के 1000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 21 से 31 मई के बीच टेस्ट होगा। आपको वही बता दें कि इस बार एडमिशन प्रक्रिया बदली गई है। स्कोर पर मिलेगी आपको सीट। RU के VC प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि UGC निर्देश के अनुसार CUET स्कोर के माध्यम से अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन लिया जाएगा। वहीं DSPMU के VC प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य का कहना है कि ग्रेजुएशन के कोर्सों में CUET माध्यम से एडमिशन के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसे प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रस्ताव को अकेडमिक काउंसिल में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दोनों यूनिवर्सिटी में 42,000 एडमिशन के लिए सीटें हैं। राजीव यूनिवर्सिटी व DSPMU के स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य समेत अन्य कोर्सों में लगभग 42,000 सीटें हैं। 62 साल पहले स्थापित राज्य के सबसे पुरानी राजीव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2.5 दर्जन से अधिक अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज हैं। वहीं RU से ही रांची कॉलेज को अलग कर DSPMU का दर्जा दिया गया था। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल यानी कि जर्नलिस्ट पूर्वा के साथ। धन्यवाद।